वेलकम बैक टू द ब्लॉग। से कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से हैं? अब तुम लोग सोचोगे सुबह सुबह पहले यार आज मैं जा रहा हूँ वहाँ पे अपना जिम जाना है। उठो मैं 12 बजे, 12:30 बजे वीडियो शूडियो एड करनी थी वो अपलोड कर दी मैंने अभी थोड़ी देर। अभी इस समय मैंने कहा चाय बना दो कम से कम, तब ब्रेकफास्ट बना दो ताकि जो बेड में गुड़ गुड़ हो रही है वो गुड़ खुड़ दो ना थोड़ा सा, तो खाने का बैकअप मिले मुझे। तो नाश्ता करेंगे थोड़ा सा, फिर जाना है अपना वर्कआउट करना है वहाँ पे, फिर आपसे मिलते हैं। लेकिन नाश्ता तो करना जरूरी है ना, बिना नाश्ते कैसे का। सो एंजॉय द व्लॉग, और आज के व्लॉग में मजा आएगा बिकॉज मैं इसको एंगेजमेंट और तफरी मजाक मस्ती बनाऊंगा। गैस मैंने ये भी निकाला है यहाँ से बाहर, और एकदम मेरे हाथ में ना ये पीछे से ना ये लगा मेरे हाथ में इस तरीके से ना, ये मतलब कि मेरे हाथ में ये लगा कि भी ये अंदर मेरा हाथ उंगली चली गया। माशाल्लाह कोई ऐसा मर्द का बच्चा है जिसने यार इधर से ठंडी मैंने बोला केस है, ये केस है, ये केस है। ये सब वहां से आए पूरे रास्ते गाड़ी की चाबी ले रहे और ख्वार हो गया वापस आ रहे क्योंकि गाड़ी की चाबी नहीं मिली। कैसा लगा आपको? यार खुद किससे कहा था स्मार्ट बनो, अभी यहाँ का पता नहीं इंचार्ज की तरह गायब है, उसके पास चाबी है गाड़ी की। यार फोन करो उसको, नंबर है तुम्हारे पास? से मैं फोन करूँ? मेरे को मोबाइल ही नहीं है। एक तो इस गरीब बंदे से बड़ा गरीब मैंने कोई नहीं देखा ड्रामे बाज, मोबाइल ही नहीं है। अबे मोबाइल खरीद ले 1500 रुपये मोबाइल आता है, दिला दो। अपने पास बैलेंस डालने का पैसा नहीं है। सब्सक्राइब करो। ऑफिस ही देखो बंद, अंदर से ऑफिस ही बंद है। ओ दास ओ गाड़ी की चाबी दे दे भाई। अंदर कहाँ लगी हुई है? गाड़ी के अंदर लगी हुई है। इस बंदे को हम ढूंढ रहे हैं आधे घंटे से, चुपके बैठा हुआ है सर। अब तो सच बोल कंजूस आदमी। चलो ड्राइवर ऐसी हरकतें देखे मेरा, इसको इसको मस्ती सूझ रही है बीबी। क्या करूं? गाड़ी स्टार्ट करे। ये क्या कर रहा हूँ? अबे भाई वो गाना चल गया, कॉपीराइट क्लेम लग जाएगा भाई, पहले लग चुका है। उतरो नीचे, कंट्रोल नीचे उतरो, चेयर पीछे करो, बाहर तो रखी हुई है। इसके पीछे करूंगा तो गाड़ी निकलेगी। निकालो कर लो मस्तियां कर लो बेटा, कर लो मस्तियां कर लो, वक्त है अभी तुम्हारा, हमारा ही वक्त आएगा। हमारी गाड़ी पीछे जा रही है, देखो पीछे दिखाओ। हाँ तो पीछे जा रही है हमारी गाड़ी, वो पीछे लाल वाली 3 पहियों वाली। यार आप लोग वो नजर आ रहा है सामने, ये इसकी बात कर रही है। ये कहता जब मेरे पास दो बंदे हो ना, एक बंदा हो गाड़ी चलाने के लिए, ये मुझे फायदा है, मैं ड्रामे मजे बहुत कर सकता हूँ। क्या किलो टमाटर? एक गाजर लेने आए इतनी बड़ी गाड़ी में, ये आपके सामने थैली में जाएगी। दो देख रहे हैं आप, ये सेठ आबिद बन रहा है। Later. तो सीन इसके जैसे कि यार अभी मैं वर्कआउट करने आया हूँ, तुम खाना ठीक है ना, और वार्म अप में भी जरा ना थोड़ा जरा डाउन हो गया हूँ क्योंकि यार आदत ही नहीं है, पेट निकलने लग गया था ऐसा ऐसा मेरा पिछले 2-3 महीनों में। तो मैं कहा यार तुम लोगों से मैंने बता दिया आया हूँ जिम वगैरह, जरा मैं कहा वर्कआउट शर्कआउट करें,
अच्छा जो मुझे पता चला ना, मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि मैं अभी 2-3 महीने आ करूँ, कि मैं चाह रहा हूँ पर्सनल ट्रेनिंग लूँ, ताकि मेरे पर पर्सनली मेरे ऊपर ना पूरा फोकस किया जाए। सो वो करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन डेली ब्लॉग शायद ये भी अब चलेगा भाई, एक करना तो करना है काम, हार नहीं मानी, एक करना है काम। ओके गाइस, द पावर ऑफ मीडिया इतनी है। अभी आई वॉज कमिंग फ्रॉम घर टू जिम खाना, कराची जिम खाना, जिम इस्तेमाल करने। सो सीन्स को जैसे मेरे साथ जैसे हैबिट के साथ जो फ्लाई ओवर आता ना, फौजा वहाँ फ्लाई ओवर, उसके नीचे खड़े होते पुलिस वाले, वो मुझे मिल गए। ड्राइवर ड्राइव मुझे एकदम रोक लिया ना, आप गाड़ी साइड पर लगा, आधी गाड़ी साइड पर, कहते बेटे स्टूडेंट और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। मैं दिखा दिया। क्या करते हो? मैं कहा मीडिया का काम है। कहते मीडिया में क्या काम करते हो? मैंने चैनल खोल के दिखाया। कहते जाओ। ये क्या है? पहले से पता क्या बोला मुझे, कह रहा आपका टोकन कटेगा, बस अपनी तरफ से आपका छोटा टोकन काटेंगे। मैं कहा भाई मेरा मीडिया का काम है। तो मैंने खुद ही उससे मुझे पूछा ना, आप क्या करते हो, स्टूडेंट हो, कौन हो? मैंने चैनल खोल के दिखा दिया। कहते जाओ। द पावर ऑफ मीडिया, द पावर ऑफ कैमरा इतनी है कि पुलिस वाला ही भागो वास्ते बोला, भाई ये इससे पहले मेरी कोई पोल खुल जाए भागो। अब मैंने अपना चैनल खोल के दिखा दिया, भाई मेरा चैनल है यूट्यूब पे, बात खत्म, उसकी आवाज टाइट हो गई। तो पावर ऑफ मीडिया भाई बहुत ज्यादा है। सीन्स कुछ ऐसे हैं, हम लोग देख सकते हो। मजा ही यार। चल लोग करते हैं डाइटिंग वेट लूज करने के लिए, ऐसे ये भी जितने भी फिटनेस वाले लोग हैं, जितने भी कंस्ट्रक्टर्स हैं, जितने भी कंसल्टेंट्स हैं, सबने प्रूफ कर दिया कि भाई आपको वेट कम करने के लिए डाइटिंग करने की जरूरत है, क्वांटिटी हर चीज़ करनी होती है। आपका जो दिल चाहता है आप खाओ, बस क्वांटिटी के हिसाब से खाओ। तो मैं तो वैसे ही वेट गेन करना है, तो मैं जिम से खाऊँ, जिम के बाद जिम से पहले, मतलब सेम बात है। सो खाना खाते हैं, क्योंकि यार इसको भी तो करेंगे तो ज़रूरी है ना यार। तो कैसे यार, मेरा सर्दियाँ वर्दियाँ आ रही हैं, तो ज़रा शक्करकंदी पे भी हाथ डालें। तो इन भाई साहब से हम खरीद रहे, कैसे हैं आप भाईजान? यहाँ के दिमाग की तरह करता रहता है। थोड़ी की हाल है? अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। तो ट्राई करते हैं कैसी है, पहले ट्राई करेंगे। परफेक्ट। चलो भाई लेट अस गो। अम्मी को पिक करना, अम्मी को पिक करके आते हैं ज़रा। मगरिब की नमाज भी हो गई है, अजान नमाज भी पढ़नी है, फौर ही आगे पढ़नी है। सो या चलो ना। Please do subscribe. Thank you. Please do subscribe. Thank you. Please do subscribe. Thank you. Gulabi aankhe जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। Thank you.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1. यार मैं जानता हूँ, मैं 2-3-4 दिन से मेरे ब्लॉग्स बहुत छोटे छोटे निकल रहे हैं। आई अंडरस्टैंड इट्स माई मिस्टेक। तुमने मुझे बोला हुआ कि अभी 10 मिनट का निकालो और मैंने पीछे वीडियो बनाई थी कि मैं 10-10 मिनट के निकाल रहा हूँ, मगर 2 दिन से ब्लॉग बहुत छोटा निकल रहा है। आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट, मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ। मैं ही इस सजा मार रही हूँ, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मारो हमको, मारो। This was literally not scripted. ये कसम खुदा की मैंने जानबूझ के नहीं करा है, असली में मैं गिर हूँ यार। Literally इसने मुझे गिराया है, मेरे जूते ने। प्रॉमिस है, मैंने स्क्रिप्टेड नहीं रखा हुआ था, खुद ही मैं हाथ पाँव फिसला। सो यार देखो, मैं काम कर रहा हूँ यार, डेली ब्लॉग चल रही है और इंशाल्लाह 5 साल तक लगा रहा हूँ। 5 साल मैंने जब अपने ब्लॉग्स को 1 2 3 करना शुरू करा हुआ ना, आगे करता हूँ ब्लॉग नंबर इतना, ये भी कोई मैंने 1.5 महीना डेली ब्लॉगिंग के बाद करा है जाकर ना। सो कोई बात नहीं, 1.5 महीने डेली ब्लॉग काउंट नहीं करेंगे हम लोग। जहाँ से मैंने लिखना शुरू करा 1 2 3 वहाँ से काउंट करेंगे और इंशाल्लाह 5 ईयर्स डेली ब्लॉगिंग करेंगे। बिकॉज पाकिस्तान का नंबर 1 बनना है भाई, पाकिस्तान का नंबर 1 बनना है। सारे यूट्यूबर्स से मुलाकात करनी है, हमने इंडस्ट्री में टॉप करना है यार, क्यों नहीं। सब्सक्राइब करो ना यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो यार, क्यों नहीं यार, क्यों नहीं कर दो, क्या जाएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के अंदर।